जिसे 28 अप्रैल 2008 को पीएसएलवी C9 से 635 किलोमीटर की 97.94 डिग्री पर झुकी कक्षा में स्थापित किया गया। यह एक परिष्कृत एवं मजबूत सुदूर संवेदी उपग्रह था जो दृश्य विशिष्ट स्थल प्रतिबिंब प्रदान करता है। इस उपग्रह में एक सौर वर्णी कैमरा पैन और एक इसका रेजोल्यूशन जो था वो 1 मीटर था। इस समय हम करीब करीब 2 मिनट 10 सेकंड की दूरी पर इसका शॉट जो था कार्टोसैट 2A का वो 9.6 किलोमीटर था। इस उपग्रह के चित्रों का उपयोग मानचित्र संबंधी अनुप्रयोगों जैसे कि नगरीय एवं ग्रामीण मानचित्र, मूलभूत और संरचना विकास तथा प्रबंधन और 37 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्टोसैट 2C को 22 जून 2016 को पीएसएलवी C34 से और कार्टोसैट 2D को 15 जुलाई 2017 को पीएसएलवी C33 से 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया गया। इस समय हम 1 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर बहुत ही नजदीक प्रक्षेपण के। सारी गतियां अबाध रूप से जारी, बिल्कुल सतर्क। रियल टाइम प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड। -25 सेकंड। PS2 VSPPs are opened। धड़कनों को रोकने वाली घड़ी। जैसे समूचे विश्व की मानवता के नाम भारत का यह शांतिदूत एक ही संदेश सुनाना चाहता हो कि सफलता के आसमान असीमित हैं। जरा इसकी उड़ान देखिए और इसकी गतिविधियां और गंतव्य तक जाने की उत्सुकता। स्ट्रैपॉन्स अलग हो चुके हैं और बिल्कुल अपने अनुमानित पथ पर आगे बढ़ता हुआ, चेहरे पे हंसी की एक छोटी सी मुस्कान के रूप में आपके सामने बिल्कुल उसी गति से गतिमान पीएसएलवी सी। इस समय जो स्ट्रैपॉन्स ग्राउंड पे लिट हुए थे, जो एयर में लिट हुए थे, वो सेपरेट हो चुके हैं करीब करीब। जी हाँ, प्रथम चरण विलगित हो चुका है यान से और द्वितीय चरण के बाद में प्रज्वलित होते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ता हुआ। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। जो ग्राफ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टाइम वर्सेस रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पे टाइम और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे रिलेटिव वेलोसिटी है। इस समय 140 सेकंड क्रॉस करते हुए हम 2.15 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं और हमसे इस प्रक्षेपण स्थल से लगभग 130 किलोमीटर दूर जा चुका है यान और 119 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। मिशन डायरेक्टर श्री योग कुमार सेपरेटेड। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्षण होता है ये जो कवर है, जो रोटरी है, हीट शील्ड वो भी सेपरेट हो चुकी है 127.4 सेकंड पे और आगे जो बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है वो PS2 के सेपरेशन की है, द्वितीय स्टेज के विलगन की है। ये द्वितीय चरण जो है वो करीब करीब 159 सेकंड से 261 सेकंड तक प्रज्वलन काल है उसका और इस समय
लगातार जो अनुमानित पथ है और अलोकित पथ है एक दूसरे को फॉलो करते हुए. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज सेकेंड स्टेज सेपरेशन विच विल टेक प्लेस इन अनदर फ्यू सेकेंड्स. परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ द ग्राफ्स. That is time versus altitude and time versus the relative velocity. What right now you saw is time versus relative velocity. Ground trace of PSLV is also shown, varying with time. Red curve is pre-flight condition, while the green one action completed. Coasting phase commenced. Is burnout over and now coasting phase has initiated. Actually, the coasting phase is balancing the energy, the potential energy and kinetic energy. If you look at the graph, चरण है उसके इंजन को दहन को बंद कर दिया जाता है और चौथा चरण उसका जो प्रज्वलन है वो अभी शुरू नहीं किया गया है. द पीएस टू सेपरेशन एट द टाइम द वेलोसिटी वॉज 4 किलोमीटर पर सेकेंड और इस समय तक 53% ऑफ द टोटल वेलोसिटी दे दिया जाता है. कोस्टिंग इज वेरी नॉर्मल. एक उद्घोषणा बेस परफॉर्मेंस नॉर्मल. जी हाँ, पुनः एक बार उसी की उद्घोषणा कि जो परफॉर्मेंस वो नॉर्मल कोस्टिंग फेज का और थोड़ी ही देर में फोर्थ स्टेज का इग्निशन प्रारंभ किया जाएगा. द वेलोसिटी एट थर्ड स्टेज सेपरेशन विल बी क्लोज टू 5.9 किलोमीटर पर सेकेंड. इवन आफ्टर द स्टेज बर्न आउट सेपरेशन इज डिलेड बाई ऑलमोस्ट 220 सेकेंड्स टू एंश्योर दैट देर इज नो रेसिडुअल थ्रस्ट फ्रॉम द मोटर. We can see the time versus velocity. We are 8 minutes into the flight. Chairman, Center Director, VSSC and Center Director. Third stage separated. Shah. Third stage is separated. And now fourth stage will get ignited in a couple of fourth seconds. Fourth stage engine started. Yes. Fourth stage engine also got ignited and now we are almost 8 minutes 30 seconds in the flight. तो चतुर्थ चरण प्रज्वलित हो चुका है और हम अब अंतिम चरण के प्रज्वलन की सामान्य निष्पादन की फोर्थ स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल घोषणा सुनेंगे और सुनी आपने. इसके साथ ही हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो सामान्य निष्पादन की प्रदर्शन करते हुए करीब करीब 9 मिनट का समय फ्लाइट का व्यतीत हो चुका है. इस चतुर्थ चरण में जो लिक्विड स्टेज है उसमें करीब करीब 2.5 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट भरा हुआ होता है. फोर्थ स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. 44.4 मीटर ऊंचे 320 टन भारी रॉकेट का ये 40वीं फ्लाइट है जिसे पीएसएलवी 38 का नाम दिया गया, जिसमें कुल 31 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने हैं. ये एमसीसी के अंदर का दृश्य जहां पे विभिन्न स्क्रीन्स पे अलग अलग आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं. इनफैक्ट डिग्री टू गेट various passengers to prefer the same inclination. Satellite to the same orbit. Rift operation director just now announced the proposed stage to be normal. Strong energy. Now, the duration of the fourth stage is roughly 457.8 seconds and we have already 10 minutes 33 seconds in the flight and we are 491 kilometer altitude and 2375 kilometers away from the launch pad. The performance is very satisfactory. All the customers will be watching this mission very very closely because from various countries. Fourth stage performance normal. The performance is normal. I will just request our camera team to show the foreign delegates.
as they are eagerly for performance to be very satisfying, so that they can be injected into the final orbit, what they desire. अभीक्षित कक्षा की ऊंचाई, इंक्लिनेशन, ये सभी जरूरी होते हैं जब एक अभियान सफल माना जाता है. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लेटविया, लिथुएनिया, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये सभी बेसब्री से जो कुछ ही घड़ी में पूरा होने वाला है चतुर्थ चरण का प्रज्वलन, उसकी प्रतीक्षा करते हुए वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लॉन्च क्लीयरेंस प्रोसीजर इज ए स्पेस ऑब्जेक्ट प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस वेर इन एनालिसिस रीजन वी असेस द कोलिजन. वेटिंग फॉर दैट 893.5 सेकेंड्स हैव ऑलरेडी इलैप्स्ड इन द फ्लाइट. 15 मिनट्स the time. Relative velocity which we got is 7.4 kilometer per second and altitude 510 kilometer. Fourth stage performance normal. इस चौथे चरण के प्रज्वलन के बाद कुछ ही क्षणों में कार्टोसैट 2E का सेपरेशन कर दिया जाएगा. हम उस घड़ी की प्रतीक्षा में बहुत ही क्लोज, बहुत ही नजदीक, करीब करीब 935 सेकेंड बीत चुके हैं और 7.5 करीब करीब 5-8-6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी वेग मान प्राप्त कर चुके हैं. यहां पे आप देख सकेंगे कि हम कितनी नजदीकी आंकड़े प्राप्त कर चुके हैं. इंक्लिनेशन ऑर्बिट का ऊंचाई एपोजी और पेरिजी के बीच में बहुत ही नजदीक, बहुत ही नजदीक, ऑलमोस्ट सेम 506.8 किलोमीटर की. और जैसा मैं देख पा रहा हूं कि इंक्लिनेशन 97.44 डिग्री. और अब किसी भी क्षण हम बहुत ही नजदीक हैं जब कार्टो 2E का सेपरेशन कर दिया जाएगा, वो करीब करीब 40 सेकंड के बाद कट ऑफ इंजन के. और अब किसी भी क्षण इसकी उद्घोषणा आप सुन सकते हैं. वेरी शॉर्टली विल बी सींग द कार्टो 2E सेपरेशन. कार्टोसैट सेपरेटेड. 1000 क्षणों के बाद ये घड़ी आई जब कार्टो 2E को यान से अलग कर दिया गया और इसी क्षणों में न्यू सेट जो भारतीय विद्युत वो भी सेपरेट हो चुका है 10 सेकंड के बाद. और अगले 10 क्षणों में सीई सेट सेपरेटेड वो भी अलग हो गया. इसके बाद कुछ उपग्रह जो हैं, कुल 7 उपग्रह आप मॉरिशस से उनकी विजिबिलिटी बनी रहेगी. और ये जो आप देख रहे हैं ये यान में लगे हुए कैमरे से प्राप्त सेपरेशन के कुछ क्षण हैं जो बड़ा महसूस करते हैं जैसे आप यान में बैठे हों और आप स्टेप वन्स और फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज को यान से अलग होते हुए देख पा रहे हों. ये वो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं यान की सेल्फी है, जैसे हमारे सैक के डायरेक्टर ने एक बार उद्घोषणा की थी कि यान में लगा हुआ कैमरा अपनी सेल्फी लेता रहता है. तो ये वो सेल्फी थी जो यान में लगे हुए कैमरे ने दी भेजी. और आप देख पा रहे हैं कि उतनी ऊंचाई से जब अलग होते हैं तो कैसा दृश्य होता है, कैसे क्षण होते हैं, कैसा हम पहले केवल अनुमान लगा सकते थे लेकिन अब हम अब स्क्रीन पे बाकायदा देख सकते हैं कि उस ऊंचाई से अलग जो स्टेजेस हैं, चरण है, वो कैसे दिखाई पड़ते होते हैं. इनफैक्ट जो सी सेट 1 के बाद वाले उपग्रह हैं उनकी विजिबिलिटी मॉरिशस से बनी रहती है लेकिन जैसा आप देख सकते हैं TYVR सेपरेशन भी हो चुका है. उसके बाद डी सैट 1 का सेपरेशन हुआ 1098.9 सिसरो सैट 6 वो भी इन GSLV-09 एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ GSLV-3 इन द मंथ ऑफ जून एंड अगेन इन द सेम मंथ येट अनदर मेजर मिशन PSLV-C38 विथ कार्टोसैट 2E एंड 30 अदर सैटेलाइट्स. I would like to congratulate the whole team here because it's a collective effort. As always, we used to discuss the ISRO culture. The launch support, the customer service provided to all our valued external customers from 14 different nations was very effective, very excellent. And this
Lord, I use this opportunity specially congratulate the Atosat team, both spacecraft and